अगर आपके पास Realme का C51 है और आप इस फोन में अपने फोटो या वीडियो को हाइड करना चाहते हैं तो वीडियो में जानेंगे इस फोन में कैसे फोटो और वीडियो को हाइड करते हैं। बहुत सिंपल सिंपल से स्टेप रहेंगे जिन्हें फॉलो करके बहुत आसानी से फोटो एंड वीडियो को आप हाइड कर सकते हैं। तो क्या करना है, आपके फोन के अंदर गूगल फाइल आपको देखने को मिलता है, इसको आप ओपन कीजिए, जिसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, देखने को मिलेगा आपको स्क्रॉल करने पर सेव फोल्डर, इस पर क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे आप इसको दो तरह से सिक्योर भी कर सकते हो, तो जो भी लॉक रखना चाहते हो पैटर्न या पिन के लिए वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और अपना पिन वगैरह सेट कर लीजिए। दो बार सेम लॉक आपको सेट करने के बाद नेक्स्ट करना है, गॉट पर क्लिक कीजिए, वापस आ जाइए। अब यहाँ से अगर फोटो को हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे इमेजेस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे फोल्डर मिलेंगे आपको वो सभी जो फोन के अंदर रहेंगे जिनमें फोटो वगैरह हैं आपके, तो उस फोल्डर पर क्लिक कीजिए जिसमें से फोटो को हाइड करना चाहते हैं। अब जैसे कि आपको ये वाला फोटो हाइड करना है तो इस पर प्रेस एंड होल्ड करेंगे, मल्टीपल भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगा मूव टू सेव फोल्डर, इस पर आप क्लिक कर देंगे, आपका जो पासवर्ड था वो आपको यहाँ डालना पड़ेगा, नेक्स्ट करते ही आपका ये हाइड हो जाता है। अगर इसको आप एक्सेस करना चाहते हो तो यहाँ पे सेव फोल्डर पर जाकर इसको एक्सेस कर सकते हो। सेम इसी तरह से आप वीडियो को हाइड कर सकते हो। अगर इनको अनहाइड करना है तो सिंपल सेव फोल्डर पर क्लिक करके अपने पासवर्ड को डालिए, नेक्स्ट कीजिए और यहाँ पे आपको वो जो फोटो अनहाइड करनी है उनको सेलेक्ट करना है और थ्री डॉट पर क्लिक करके आपको मूव आउट ऑफ सेव फोल्डर पर क्लिक कर देना होगा, तो ये आपके अनहाइड भी हो जाएंगे।